नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। सीएम मुंबई ने की नड्डा से बातचीत, मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी हुई चर्चा। हुबली हिंसा, भारी मात्रा में रहे पत्थरों की जाँच करेगी पुलिस, गृह मंत्री अराका ज्ञानेंद्र ने कहा। पूर्व कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने जनता दल एस कर्नाटक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। पीएम मोदी आज गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर, डब्ल्यूएचओ चीफ भी रहे साथ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 75वें आजादी अमृत महोत्सव महाउत्सव के उपलक्ष्य में राज्य में जिलवार स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने किया। यह कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। इस स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम में विधायक रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष प्रोफुद्दीन कचहरीवाला, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। समाज नैतिकते अधिपतन वाक्तो आ समाज मत आ देश अधिपति आगे बहुत समय हिड़ी देवर को सर सद्बल के नावेलू देवर मकल अवंत भावन ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಪರಿಗಣಿಸಲಾರದನೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದುಕಿದಾಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೃದಯವಂತರು ಅಂತ, ದಯಾಳುಗಳು ಅಂತ, ದಾನಿಗಳು ಅಂತ, ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ, ದಕ್ಷತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ, ನಿಯತ ಇದ್ದವರು ಅಂತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯರು ಅಂತ, ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬೆಳಗೋರು ಅಂತ, ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ. ಚೀಟಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬರೀತಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋರೆ ಬಡ ಜನರು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೋಗಿ ಬಂದರೋ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾರೋ ಬಂದರೋ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಗರೀಬ್ ಬಂದನ, ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದನ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಹಲವು ನನ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಆದ್ರೂ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾವ, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಗಲೆಲ್ಲ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರಿ. 108 ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ತಲೆ ತಿಂತಾರ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೈತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇದ್ರಾಗಿದ್ರಿ, ಒತ್ತಡ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೋಗಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ ರೋಗ ವಾಶ. आज बीदर शहर के नवाज क्षेत्र में रहे गाड़ी फंक्शन हॉल में कृषि कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों ने उत्पादक व यंत्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने किया। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, कृषि विभाग के जेडी तारा मणि सहित अन्य अधिकारी व किसान उपस्थित थे। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज।
समस्या परिहार साधारणी मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नम रैत बीज से बाजार रैत उड़े माँ बीजद उत्पन्न बेसे मारुक मुटीस दलाल मध्यस्थित समस्या पड़े अदु उत्तेजन कार्यवान भारत सरकार नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि कारण राज्य सरकार मुख्यमंत्री बोम्मई कड़े बजेट अनेक रेत पड़ा बजेट मंडल माध्यम समस्या कष्ट निवारण आगे साध्यवाद आ कारण नम रैत केवल ना भाषण माँ कार्यक्रम अस्टे सीमित कार्यक्रम नम सेंट्रल मिनिस्टर शोभा साहस मतलब स्कीम बेटे आमलिए समस्या बता लास्ट मार्केट जास्त अब फ्यूचर फिक्स मत सुमार साल सुमार कंप्लें इनशूरे सुमार जन इनशूरे अद्वे स्वल सीरियसली समस्या इंक्लूड मत सुमार रैतर शुगर रेट जो धन्यवाद इलाके कृषि इलाके स्कीम इनवे नम जिले केवल केवल 73 जन अप्लिकेशन अदरली 20 जन रीति खरीदी स्वावलंबी
कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बीदर जिला शाखा के चुनाव इस वर्ष फरवरी के माह में हुए थे, लेकिन मामला अदालत में रहने से कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बेंगलुरु से प्रमाण पत्र नहीं देने के निर्देश दिए गए थे। हाल ही में आदेश दिए गए कि प्रमाण पत्र जारी की जा सके। इस पर जिला चुनाव अधिकारी दीपक मंधड़े ने आज बीदर जिला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, खजांची सहित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान आदि किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अशोक करंजी ने बात की। केपी के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर संघ के पदाधिकारियों को आज प्रमाण पत्र वितरण करने का एक कार्यक्रम था। ये पत्रकार संघ का चुनाव इलेक्शन 27 फरवरी 2022 को हुआ था। कुछ कारणों से ये चुनावड़े घोषणे होते हुए ऐसी रह गई थी। परसों ही इन्हें 2-3 दिन पहले हमारे हाईकोर्ट के आदेश ने दिया है। बीदर शहर की प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा अब्दुल फैज को समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने हाजिरी देकर दरगाह की जियारत कर दरगाह और दरगाह परिसर के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने दरगाह के जिम्मेदारों से भी मुलाकात की। मोहम्मद फिरोज खान ने मस्जिद में इफ्तार में शामिल होकर रोजदारों के साथ इफ्तार किया। हमारे कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के दौरे के दौरान लगभग 35 मिनट तक चर्चा की। दोनों के बीच निजी रेस्टोरेंट में बातचीत हुई, जहां नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान ठहरे हुए थे। सूत्रों के अनुसार राज्य में हाल के घटनाक्रम और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने कहा कि बोम्मई को अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी मिल सकती है। कहा जाता है कि नड्डा ने सीएम को साफ हाथ लेने के लिए कहा था। सूत्रों ने बताया कि अफवाहें फैलाकर सरकार की छवि खराब करने वालों को अभी ब्यौरा मांगा गया है। कहा जाता है कि नड्डा ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह चुनाव से पहले हानिकारक होगा। नड्डा ने बोम्मई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी मंत्री या विधायक विपक्ष के झांसे में न आए। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि हुबली पथराव की घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस को बड़ी मात्रा में रखे गए नुकीले पत्थरों और उनके स्रोत की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस घटना के मूल कारण का पता लगाएगी और घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। ज्ञानेंद्र ने कहा कि प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना 2020 में डीजे हल्ले हिंसा की घटना के समान है। पुराने हुबली में शनिवार देर शाम हुए पथराव और हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है और जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे गंभीरता से निपटा जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट आह्वान दिया, जहां 2023 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ताकि वे बदलाव का एक साधन बने और यह सुनिश्चित करें कि देश आगे बढ़े। वह यहां प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हम अपने मिशन रिपीट को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। हम राष्ट्र पहले के मंत्र के साथ चल रहे हैं, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, नड्डा ने कहा। आपको आदर्श वाक्य के साथ काम करना होगा। हम सभी अपने मिशन के साथ समर्पित हैं, यह देखने के लिए कि भारत आगे बढ़े, और हम यह देखने के लिए भी तैयार हैं कि पार्टी और मैं परिवर्तन का साधन बने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व एमएलसी सीएम इब्राहिम ने औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के बाद रविवार को जनता दल के कर्नाटक अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, जो दक्षिणी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की उम्मीद कर रही है। इब्राहिम का यह कदम ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और जनता दल एस दोनों मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद इब्राहिम ने कहा, मैं जनता दल एस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। लोगों से अपील करता हूं कि वे 1994 के गौरव को पुनः प्राप्त करने में हमारी मदद करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य एचडी कुमार स्वामी को स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री बनाना है। विधानसभा चुनाव में 123 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करेंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर 9945283920 8482127। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखें अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। वहां पर वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें उनका गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद का कार्यक्रम भी शामिल है। रविवार को पीएम ने ट्वीट कर कहा कि ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेंगे और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देंगे। खास बात ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी कुछ कार्यक्रमों में उनके साथ मौजूद रहेंगे। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में अब तक 23 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर है कि इस संबंध में 2 किशोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के दौरान 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हो गए थे। विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच रविंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और जिला पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। इस बीच एक बार फिर से सोमवार को पत्थरबाजी हो गई। यह घटना तब हुई जब पुलिस हिंसा की आरोपी एक महिला को गिरफ्तार करने पहुंची थी। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों के पास लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर फरमान जारी होने वाला है। अब मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा भजन के लिए अनुमति भी लेना जरूरी है। इस बात की जानकारी नासिक उपायुक्त दीपक पांडे ने सोमवार को दी है। खास बात यह है कि हाल ही में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी। पांडे ने कहा, हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। यह अजान के 15 मिनट पहले या बाद में नहीं चलाई जा सकेगी। मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य में फिलहाल अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाया है। प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक दूसरे को पसंद करते हैं, मिलते जुलते भी हैं, लेकिन रिश्ता नहीं बना पाते। रिश्ते शर्तों पर नहीं बनते, रिश्ते मजबूरी में भी नहीं बनते। रिश्तों को गढ़ने और बढ़ने के लिए भरोसा जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों के बीच एक अविश्वास की खाई है, जो तमाम कोशिशों के बाद भी फट नहीं पाई है। पिछले साल भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की चर्चा थी, लेकिन मेल की बेल परवान न चढ़ी। अब फिर दोनों के बीच उम्मीदों के चिराग की रोशन होने की चर्चा है। आखिर प्रशांत किशोर और कांग्रेस खुलकर एक दूसरे का हाथ क्यों नहीं थाम रहे? इतनी गोपनीयता और पर्देदारी की क्या जरूरत है? जो बल्लेबाज यूपी की पिच पर पिछले 10 साल में दोहरे अंकों तक नहीं पहुँच सका, उसे पीके कैसे डबल सेंचुरी लगवाएंगे? आज झांसी में विश्व धरोहर दिवस के मौके पर झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग पर काफी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों व समाज सेवियों के द्वारा बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए गए।
झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग पर रानी झांसी के स्वरूपों की घोड़ों पर सवार होकर झांकी निकाली गई। इस अवसर पर झांसी नगर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि इसी दुर्ग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी आकर दुर्ग से लोगों को संबोधित करते हुए नए राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया था और आज इस संकल्प को साकार करने के लिए समूचा झांसी दुर्ग पर उमड़ पड़ा है। वहीं दूसरी ओर झांसी में इस तरीके के विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर होने वाले उत्सव से झांसी के दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठंडी लस्सी जल आदि की व्यवस्था की गई है। आज विश्व धरोहर दिवस पर झांसी के ऐतिहासिक रानी झांसी के दुर्ग पर पूरे झांसी ने विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया कि हम आज पर्यटकों का विश्व रिकॉर्ड झांसी में अपने दुर्ग के कितने लोग देखने आए इसका रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो आज पूरे झांसी का जन जन उत्साहित है, आप इन लोगों का उत्साह देख रहे हो। लोग विभिन्न प्रकार की झांकियां रानी के स्वरूप के साथ साथ सभी समाजसेवी संगठन कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है निश्चित रूप से। इस अभियान से जहां एक ओर मोदी जी ने झांसी आकर के झांसी के दुर्ग से लोगों को संबोधित करते हुए नए राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया था, वहीं दूसरी ओर झांसी में इस तरीके के विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर होने वाले उत्सव से झांसी के दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। कुरान के कथित अपमान के बाद स्वीडन इन दिनों आग की लपेट में जल रहा है और स्वीडन में सरकारी संपत्तियों की दंगाई जमकर निशाना बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वीडन को दंगाई जलाकर खाक कर देना चाह रहे हैं, जिसके बाद अब स्वीडन की पुलिस ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि स्वीडन में ये दंगे ईसाई त्योहार ईस्टर के बाद शुरू हुए हैं, जो लगातार चौथे दिन भी जारी है और पुलिस की गोली लगने से 3 दंगाए घायल हुए हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। समंता रुथ प्रभु ने शरीर पर गुदवाए थे एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य से जुड़े टैटू, अब कहां काश नहीं बनवाया होता। समाचार खेल जगत के। दिल्ली कैपिटल्स का एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, टीम की पुणे टूर में देरी। देखते हैं समाचार बाजार के। महंगाई का जोरदार झटका, मार्च में 14.55% पर पहुंच गई थोक महंगाई दर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। सीएम मुंबई ने की नड्डा से बातचीत, मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी हुई चर्चा। हुबली हिंसा, भारी मात्रा में रहे पत्थरों की जांच करेगी पुलिस, गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा। पूर्व कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम ने जनता दल एस कर्नाटक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। पीएम मोदी आज गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर, WHO चीफ भी रहे साथ। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।